गुड्डू रंगीला जी भी एक हमारे यहाँ गायक है, भोजपुरी के मशहूर है, उनके यहाँ में 6 महीने नौकर रहा, नौकर रहे थे। हाँ, श्री पीस लालच में की बड़े स्टार है, कुछ मेरा हो जाए, दिखता था ना तो लगता था यार कितने बड़े ये चीजें। मैंने कोरस गाया है उनके कैसेट में, मैंने कोरस गाया है एक कैसेट था जवानी जिलेबी बनाई दी, और तो मैंने उसमें कोरस गाया था। उस समय एक विनय भैया ने उनके लिए कैसेट लिखा था, तो हम और आनंद मोहन पांडे जी उसमें काम किए थे, बहुत सारे काम उनके कोरस वोरस किया था मैंने। तो प्रवेश जो था ना, मुझे लगता था कि वो सुनहरा मौका था जो मुझे कहीं ना कहीं हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को दिया। ऐसा लगा कि मतलब टूट गए, जाहिर है परेशानियां इतनी सारी आई, इंसान है, कहीं ना कहीं एक मौका कभी ऐसा आया जब आपको लगा यार मतलब कुछ नहीं हो रहा है, या मतलब मैं कोई ऐसा हादसा हुआ हो, कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो आपके जहन में मतलब रह गया हो कि यार ये बहुत हो गया, मतलब मैं मेहनत इतना किया ना कि मुझे कभी तकलीफ का एहसास ही नहीं हुआ। एक होता है ना कि आदमी तकलीफ को, जैसे मुझे चोट लगती थी ना तो मैं उस चोट को कभी याद नहीं किया, मैं किस काम के लिए जा रहा था वो मुझे याद आता था, लेकिन मुझे वो कभी चोट याद नहीं थी। मुझे कभी दर्द हुआ ना तो वो दर्द कभी याद ही नहीं रही, क्योंकि मेरे दिमाग में वो दर्द रहता ही नहीं था, वो मेरे दिमाग में वो काम रहता था कि मैं उसके लिए जा रहा हूँ, उसको कितना जल्दी करना है ये मेरे जहन में हमेशा। और मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि तकलीफ और दर्द किसके जीवन में नहीं है, सबके जीवन में है। उस दर्द को भूलकर उस टारगेट को याद कर लो तो मुझे लगता है वो दर्द बहुत छोटा है। तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी सीख है। हाँ, तो मुझे लगता है आपसे ये चीज, क्योंकि जिस तरह की जिंदगी आपकी रही, मुझे लगता है बहुत लोगों को तकलीफ शायद होती है लेकिन टूट जाती है। हाँ, मैं इसीलिए मैंने उस कभी दर्द को याद नहीं किया। हाँ, मैंने अपने जीवन को हमेशा याद रखा, अपने जीवन में मेरी, मैं क्या किया नहीं किया, मैं कहां से आया, मैं क्या कर रहा था, मेरी औकात क्या थी, मेरी क्षमता क्या थी, क्योंकि मैं जीरो था, एकदम जीरो। अब कहा जाए ना तो ना मेरे पास गायकी थी, ना मेरे पास सकल था, ना पैसे थे, और ना ही कोई अप्रोच था, और ना ही शिक्षा। मैं पढ़ा लिखा भी बहुत कम, मुझे पता ही नहीं है आज भी बट्टा पढ़ के जोड़ नहीं आएगा, क्योंकि मैं कभी पढ़ाई पे फोकस ही नहीं किया, क्योंकि गरीबी इतनी थी कि मैं पढ़ूं कि चढ़ूं, ये था कि मैं पढ़ूं। आखिर पढ़ना, पैसे भी तो चाहिए ना पढ़ने के लिए, और वो चीजें थी नहीं तो पढ़ाई कहां से होगी। बेहतर किताब, बेहतर ट्यूशन, बेहतर चीजें के लिए आपको पैसे तो लगेंगे ना। अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे या सरकारी में, कहीं भी पढ़िएगा आप, तो बढ़िया स्कूल में जाने के लिए पैसे तो लगेंगे आपको। तो मैं कभी पढ़ने पे ध्यान नहीं रखा, क्योंकि वो गरीबी थी। शायद मेरे पास, पापा के पास भी अगर कुछ होते तो उनको एक बच्चे को तो पढ़ाना नहीं था, सात सात बच्चों को पढ़ाना था, और एक आदमी कमाने वाला था, तो उसमें मैं पापा को गलत नहीं ठहरा सकता, क्योंकि उनको तो सारे बच्चों को भविष्य तय करना है ना। लेकिन सारे भाई हमारे जितने पढ़े, कोई 5 पढ़ा, कोई 7 पढ़ा, कोई 2 ही लोग हमारे घर में मैट्रिक किए 5-7 भाइयों ने, बाकी कोई 5, कोई 3, कोई 4, कोई 2, इसी टाइप से सबके सर। हम मैट्रिक किए, वो भी सेकंड डिवीजन, 320 पे थर्ड था, 319 पे थर्ड था, और मैं 320 ही लाया था। वो भी कैसे लाया मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी राइटिंग भी, मैंने सच पूछिए तो एकदम जीरो था, मेरे पास कुछ नहीं था, और आज हर वो चीज है। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मेरा काम पढ़े लिखे लोग करते हैं। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, लेकिन इतनी है कि कोई चढ़ने वाला नहीं, रहने के लिए घर नहीं था, लेकिन इतना है कि कोई रहने वाला नहीं, और हर वो चीज सिर्फ जनता और लोगों के प्यार से मिला है। और मैं इसीलिए बहुत नॉर्मल तरीके से रहता हूँ, स्टार्डम मेरे ना दिमाग में और ना ही मेरी बॉडी में। मुझे मतलब आप बहुत इमोशनल इंसान लग रहे हैं, मतलब जो एक आदमी जो है ना, जो अभी भी मतलब उसके दिल में वो सब चीजें बिल्कुल ताजा है। हाँ, बिल्कुल ताजा है। आप मेरे हर जीवन के, अच्छा लोग कहते हैं कि आप बोलते हो कि आप किसी के घर पे नौकर थे, क्यों बताते हो, अब मत बताओ। मैं बोला कि भाई ये आपके जीवन में भी कभी आ सकता है, बिल्कुल, एक नौकर भी हीरो बन सकता है भाई। तो जब मैं नहीं बताऊंगा तो आपको ऊर्जा कैसे मिलेगी। हम कहते हैं ना, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, वही मैं कह रहा हूँ। क्यों मतलब ये कहानियां तो आपको इंस्पायर करती हैं। तो चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो गाय चराने वाला इंसान हीरो नहीं बन सकता है। तो वही चीजें हैं। तो मोदी जी क्यों कहते हैं कि मैंने चाय बेचा है, कि आपके अंदर अगर क्षमता है तो आप चाय बेचकर भी दुनिया को नेतृत्व कर सकते हो, आप देश चला सकते हो। तो वही सारी चीजें हैं। मैं इसलिए दुनिया को बताता हूँ कि आप हिम्मत मत हारिए, आप करते जाइए। दर्द का एहसास जब आपको हो जाएगा ना, तो फिर सिर्फ
समझ लीजिए कि आपको अपना टारगेट पूरा नहीं करना है, उस दर्द को भूलिए पहले, उस जख्म को भूलिए, क्योंकि हर दिन तो आपको जख्म मिलने वाला है, क्योंकि आप रास्ते अगर चलोगे तो ये जख्म आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, कहीं चोट लगेगी, कहीं गिरोगे, कोई कहीं मार देगा, कोई थप्पड़ मारेगा, कोई गाली देगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोले, तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। रास्ते आदमी चलता है तो एक गाड़ी तो चलती नहीं, कई सारी गाड़ियां चलती हैं, बचना आपको ही है। अगर कहीं क्रोच भी लग गया तो ठीक है ना, लग गया कल ठीक हो जाएगा यार। अब इसका मतलब ये नहीं कि उस क्रोच की वजह से आप पूरे हाईवे को जाम कर दो, आप अपने जीवन को ही रोक दो, नहीं मत रोको, आप चलते रहो, वो ठीक होने वाला है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। तो कोशिश करिए बेहतर करने की, और पीछे क्या चल रहा है इस पे फोकस रखना है, बट अपना ऊर्जा नहीं लगाना है, अगर वो गलत है तो उस पर ऊर्जा मत लगाइए, अच्छी चीजें आपका वेट कर रही है, उसके तरफ अपना मुंह मोड़िए और अपने आप को बड़ा कर लीजिए। बड़ा करने के लिए पूरी दुनिया है, आप अच्छा बेहतर करोगे तो हर आदमी आपसे सीखना चाहेगा, आप अगर बेहतर नहीं करोगे तो हर आदमी आपको निगलेक्ट करेगा। राम के साथ रावण का भी नाम हुआ है, लेकिन किस वे में लिया जाता है ये भी मायने रखता है। अच्छा,